टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फैब्रिक फॉर द ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम जब ड्राफ्टिंग के लिए फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को प्रेस करना है। किसी भी तरह के रिंकल्स आपके फैब्रिक में नहीं होने चाहिए ताकि आपकी ड्राफ्टिंग एक्यूरेट। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फैब्रिक का फ्रंट और बैक आइडेंटिफाई करना कि इसकी ऑन ग्रेन कौन सी है और ऑफ ग्रेन कौन सी है। इसके बाद हम फैब्रिक को ऑफ ग्रेन ऊपर रखते हुए मोड़ते हैं। क्या रखते हैं ऊपर? ऑफ ग्रेन, ऑफ ग्रेन नहीं सॉरी रॉन्ग साइड, राइट साइड अंदर की तरफ और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जो कपड़े की मार्किंग करते हैं वो कपड़े के रॉन्ग साइड पे। कैसे करते हैं? रॉन्ग साइड। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कपड़े की विड्थ कितनी है। जैसे नापो इसकी विड्थ, ये कपड़े की किनारे से किनारे के बीच में कपड़े की चौड़ाई है तो हम इसकी विड्थ आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कपड़े की विड्थ के अकॉर्डिंग भी हमारी ड्राफ्टिंग होती है। कपड़ा कम लंबा होता है तो अलग ड्राफ्टिंग होती है, कपड़े की चौड़ाई का होती है। इसको हम बड़े अर्ज कहते हैं। सबसे छोटा अर्ज हमारा 36 इंच का अर्ज आता है, उसके बाद ही हमारा 44 का अर्ज आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कपड़े का मार्किंग के लिए इसको तैयार किया। सबसे पहले प्रेस किया, फिर हमने इसकी रॉन्ग साइड आइडेंटिफाई की, राइट साइड आइडेंटिफाई की। राइट साइड को अंदर रखते हुए रॉन्ग साइड को ऊपर रखते हुए हमने कपड़ा तैयार करके रखा। इसके बाद हम क्या करते हैं? रॉन्ग साइड के मार्क्स लगाना। हम चौक से पूरी रॉन्ग साइड को काट देते हैं, क्योंकि सिलने के बाद जब हम कटिंग हो जाती है तो हमें कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इसका रॉन्ग साइड कौन सा और राइट साइड कौन सा। ऐसे में जब हम कपड़े को सिलते हैं तो हमसे ये गलती होने की संभावना रहती है कि हम रॉन्ग साइड को ऊपर रख देते हैं, कई जगह उल्टा सीधा कपड़ा हो जाता है, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कपड़ा तो खराब हो जाता है। तो हमें रॉन्ग साइड को पूरा आइडेंटिफाई कर लो चौक लगा लगा के कि ये हमारी रॉन्ग साइड। आप में से ये पूछ रहे कि मैडम आपने इसको ऐसे फोल्ड क्यों नहीं किया, है ना? 99% केसेस में हम मतलब ऐसे फोल्ड करते हैं, जैसे आपके सोफे साइज है सबके एक अंश में निकल जाएगा फ्रंट भी और बैक, लेकिन मेरा साइज छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको शर्ट भी ऐसे ही निकालनी होगी। पूरे कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड किया और आपने दोनों फ्रंट यहाँ से निकाले, ठीक है? दो फ्रंट यहाँ से निकल गए, जो इसके बराबर का कपड़ा बचेगा उसमें से आप एक बैक निकालोगे और फिर एक बराबर का एक एक तरफ से ही तो बैक निकलेगा, जो बचेगा कपड़ा उसमें से आपकी दोनों स्लीव्स निकलेंगे। तो जैन शर्ट की जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं 36 से ऊपर में वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? नहीं तो कपड़ा हम निकाल नहीं पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले ऐसे सवाल पूछ रख रही हूँ, टर्निंग क्या रख रही हूँ? टर्निंग क्या होती है? टर्निंग पता है किसी को? टर्निंग क्या होती है? टर्निंग होती है ये, ठीक है? हमने सबसे पहले क्या रखी? टर्निंग। इसके बाद क्या रखेंगे? टर्निंग के बाद, टर्निंग के बाद हम रखते हैं ओवरलैपिंग। क्या रखेंगे? ओवरलैपिंग क्या होती है? आधा इंची की रख रही हूँ मैं ओवरलैपिंग। कितनी रख रही हूँ? आधा इंची की। हाँ, क्या होती है ओवरलैपिंग? जो अंदर की साइड होती है। नहीं, अंदर वाला तो हमने पहले रख दिया, तो ये बाहर वाली होगी। बाहर का होल्ड ना अभी की, जब आप बटन लगाओगे तो पट्टी एक के ऊपर एक चढ़ेगी। हाँ, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओवरलैप। क्या कहते हैं? तो ओवरलैपिंग के लिए पट्टी के ऊपर पट्टी चढ़ाने के लिए जो कपड़ा रखते हैं उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। इसके बाद हम नॉर्मल आप जो सूट की ड्राफ्टिंग करते हो रफली ड्राफ्टिंग मेरी वही रहेगी, बस इसमें क्या है मैं तीरा थोड़ा ज़्यादा रखूँगी, जैसे सूट में मैं तीरा अगर अपना साथ देंगे तो इसमें साढ़े सात, ठीक है? वैसे हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं पर मेरा अभी इतना ही आएगा, अभी आप ऐसे सुना ये नॉर्मल आपको पता चल जाएगा बहुत फैब्रिक का स्ट्रक्चर जितना मैंने तीरा दिया उतना ही मैंने। यहाँ से कितना हूँ? चेस्ट का 4 प्लस 2 इंच। क्यों 2 इंच? बनी तो क्यों
वन इंच प्लस कर रहे हो वही रहेगा फुल जीत का, ठीक है। इसके बाद 13 इंच पे, 13.5 इंच पे और 1.5 इंच, मैं 2 साइज़ में इसमें कमर लूँगी। यहाँ मैंने 10.5 रखा है, यहाँ मैं 9.5। वैसे मैं डॉट लगाना चाह रही थी पर मैं डॉट नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं डॉट की सिलाई पर चाह रही हूँ। इसके बाद हिप लिया मैंने 21 पे 22 पे, हिप मेरा 44 था, 11 चौक 4 11 12 महीना। हल्का सा फ्लेयर मैं नीचे भी लूँगी तो मैं 12 के बाद इसको 13 ले रही हूँ। कितना ले रही हूँ? 12 के बाद 13। अब मैं निशा के सवाल का जवाब दूंगी जो निशा ने मुझे कहा कि कितना लेती है निशा। 2 इंच मार्जिन क्या होता है, हम लोग ने मैंने भी ये लगाई है, ये मेरी स्टिच लाइन कौन सी है, स्टिच लाइन, इसको हम सीम लाइन भी कह सकते हैं, स्टिच लाइन भी कहते हैं, साइड सीम। अब जो मुझे सिलने के लिए कपड़ा चाहिए ना, चाहे वो मैं 1 इंच रखूँ या 1.25 इंच रखूँ, ये उसको उसी में काउंट करती है, हम उसमें काउंट नहीं करते। मैं 1/2 इंच भी ले सकती हूँ स्टिच का, मैं 1 इंच भी ले सकती हूँ, मैं 2 भी ले सकती हूँ, 1.5 भी ले सकती हूँ। पर जेंट्स गारमेंट होता है उसको रोज़ रोज़ खोलना नहीं पड़ता, लेडीज़ की फिगर क्या होता है।